नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 3 भारत की विदेश नीति के भाग 3 पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति के अंतर्गत भारत पाकिस्तान संबंध। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति के बाकी बिंदुओं पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। पांचवा बिंदु है भारत पाकिस्तान संबंध। भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में हम 1947 से लेकर आज तक के संबंधों पर चर्चा करने जा रहे हैं। 1947 में भारत विभाजन द्वारा पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध शुरू से ही कड़वे रहे हैं। कश्मीर मुद्दे पर 1947 में ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच छाया युद्ध छिड़ गया था। इसी छाया युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने कश्मीर के एक बड़े भाग पर अनाधिकृत कब्जा भी जमा लिया था और सर क्रीक रेखा, सियाचिन ग्लेशियर और सीमा पार आतंकवाद और कश्मीर क्षेत्र दोनों के मध्य विवाद के मुख्य कारण हैं। 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में दोनों के बीच सिंधु नदी पर जल संधि की गई। इस पर भारत की ओर से पंडित नेहरू और पाकिस्तान की ओर से जनरल आयूब खान ने हस्ताक्षर किए। तमाम विवादों के बावजूद भी इस संधि पर आज तक ठीक ठाक अमल रहा है। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और इस समय भारत में अकाल की स्थिति भी थी। परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और युद्ध का सामना करते हुए हमारी सेना लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से युद्ध समाप्त हुआ। और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, जिस पर भारत की ओर से श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान ने हस्ताक्षर किए। 1970 में पाकिस्तान के पहले आम चुनावों में पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो तथा पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान विजयी हुए। परंतु दोनों भागों में संस्कृति एवं भाषा को लेकर गंभीर मतभेद थे। अवामी लीग ने एक परिसंघ बनाए जाने की मांग रखी और पाकिस्तान सरकार द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में दमन के विरोध में जनता ने विरोध कर दिया। इसी समय भारत में श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971 में ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ पूर्ण व्यापी युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ तथा पाकिस्तान सेना ने 90,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही नए बांग्लादेश का उदय हुआ। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ और इस पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। 1999 में भारत ने पाकिस्तान से संबंध सुधारने की पहल करते हुए दिल्ली लाहौर बस सेवा शुरू की, परंतु पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कारगिल संघर्ष छेड़ दिया। कारगिल में अपने को मुजाहिदीन कहने वाले लोगों ने सामरिक महत्व के कई इलाके जैसे द्रास, माशकोहो, बतालिक आदि पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने बहादुरी से अपने इन इलाकों को खाली करा लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भारत यात्रा तथा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए ही की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन व
और आतंकी घुसपैठ की कार्रवाई से दोनों देशों के संबंधों में कटुता बनी रही। 2016 में उरी में सेना मुख्यालय पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकी हमले ने तथा जवाब में भारत की ओर से की गई सैन्य कार्यवाही ने दोनों देशों के मध्य कटुता को और अधिक बढ़ावा दिया। 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में नव निर्वाचित सरकार के साथ भारत द्वारा किए गए शांति प्रयासों के बाद भी पाकिस्तान की ओर से निरंतर संघर्ष विराम का उल्लंघन तथा आतंकी घुसपैठ के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार की संभावनाएं निरंतर कम हुई हैं। जनवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों पर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमला किया गया, जिसके जवाब में भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई ने दोनों देशों के मध्य युद्ध की स्थितियां उत्पन्न कर दी। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान को सन 1996 में दिया गया सर्वाधिक वरीय राष्ट्र का दर्जा भी छीन लिया। अंत में आज के पाठ में हमने जिन बिंदुओं पर चर्चा की वह है भारत पाकिस्तान संबंध। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।